So good evening everyone and welcome back once again to the series of government schemes. So guys, अब तक हमने बहुत सारी government schemes पढ़ ली है and I hope आप सबकी जो preparation है that is going well. And आज का जो session है, in today's session I will bring to you another very important scheme जिसका नाम है Smile, जो कि recently launched हुई है in the month of July 2021. तो आज का जो session जो हम पढ़ेंगे, आज जो scheme पढ़ेंगे उसमें से question 100% आपके exam में आएगा ही आएगा. नो वन कैन स्टॉप, कोई भी नहीं रोक सकता इस स्कीम में से क्वेश्चन आने में. और बेस्ट बात यह है कि अभी डिटेल्ड गाइडलाइंस लॉन्च नहीं हुई है, तो जितना भी छोटा बहुत इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है गवर्नमेंट में उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा. ऑलराइट, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना और 5-7 मिनट के अंदर जो है वो चीजें खत्म हो जाएगी. तो चलो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन. और इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी. यू विल फाइंड द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन इन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड इसका लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन. एंड इफ यू वांट टू हैव अ पर्सनल कनेक्ट विद मी, यू कैन फॉलो मी हियर, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी माशी मनीष. तो चलो बात करते हैं स्कीम की. स्कीम का नाम है स्माइल, बट ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी सम फुल फॉर्म एंड यू शुड नो द फुल फॉर्म, ओनली देन यू कैन रिकॉल द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स for livelihood and enterprise, support for marginalized individuals for livelihood and enterprise. तो बहुत ही ज्यादा आसान इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, नाम से पता चल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट कीवर्ड इज व्हाट? सपोर्ट, व्हिच मींस सम सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. नाउ दिस सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू हूम? टू द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स. नाउ हु आर दीज मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स? सो गाइस, दीज बेसिकली आर दोज ग्रुप ऑफ पीपल who have been ignored in the society, जिनको sideline किया गया है हमारी society में, ये वो लोग हैं. और इसका best example है beggars. तो basically जो marginalized section है हमारी society का, इसमें याद रखना marginalized section में यहाँ पे SC, ST, OBC या किसी other PVTG, PWDs इनकी बात नहीं हो रही है, because these people are not marginalized, these are not ignored in the society, these are not sidelined in the society. तो यहाँ पे केवल mostly जो यहाँ पे बात हो रही है वो किनकी हो रही है? beggars की हो रही है. because बेगर्स के भी अपने राइट्स हैं, वो भी इंसान है, उनके पास भी राइट टू लाइफ है, उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं. तो उनके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा ऑफकोर्स. सो दिस बेसिकली इज फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, मतलब लाइवलीहुड सपोर्ट, एंटरप्राइज सपोर्ट. नाउ विच वॉट टाइप ऑफ सपोर्ट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड? फर्स्ट ऑफ ऑल रिहैबिलिटेशन ऑफ दीज पीपल. रिहैबिलिटेशन, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द मेडिकल सपोर्ट, ठीक है, मेडिकल सपोर्ट उनको मिलेगा, ठीक है, यानी कि हेल्थ सपोर्ट उनको मिलेगा. द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एजुकेशन टू द पीपल, उन लोगों को, उनके बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा. द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर स्किल डेवलपमेंट. अब स्किल डेवलपमेंट होगा तो ऑफकोर्स दे विल बी एबल टू हैव देयर लाइवलीहुड, अपना जो लाइवलीहुड है वो खुद से कमा पाएंगे और जो बेगर जैसी चीजें हैं, बेगिंग जैसी चीजें हैं, उससे दूर होंगे. सो दिस गाइस इज द ऑब्जेक्टिव एंड डू रिमेंबर देयर इज अ सब स्कीम अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम जिसका नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्संस एंगेज्ड इन बेगिंग. दिस इज अ सब स्कीम, ये पहले से चली आ रही थी, नाउ ये जो सब स्कीम है इसके अंदर मर्ज हो गई है और अब इस स्कीम का नाम क्या है? स्माइल, विच इज सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज. ओके, सो आई होप द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड support to the marginalized individual for providing them with the livelihood opportunities and a good life. All right, so this guys is the objective. And kis tarike se support hoga maine bata diya aapko, rehabilitation dega sarkar unko, medical support hoga, education support hoga, skill development hoga, unko economy se direct linkage milega. To is tarike ke support honge and this will lead to a good life. Now, of course, the Ministry of Social Justice and Empowerment, headed by Dr. Virendra Kumar, his Lok Sabha constituency is Tikamgarh, और 1996 से ये वहाँ पे MP हैं. Now, remember, guys, इसमें ना बहुत कम चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, एक दो चीजें हैं. If you are watching this session properly, then आपको दोबारा से ये स्कीम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So, launch year very easy. 2021 इसी साल लॉन्च हुआ है, तो I don't think कि आपको याद करने की जरूरत पड़नी चाहिए. The scheme has been launched very recently in the month of July 2021. The implementation support is being provided by various sections, various arms of the central government and the state government or the UT government. Like state or UT itself will support the implementation. Government, local urban bodies, voluntary organization, community based organization, institutions and other. और अगर कोई civil society भी इसका part बनना चाहती है या कोई person, individual,
वो भी वॉलंटरीली इसमें कुछ मदद करना चाहता है तो ही और शी कैन ऑल्सो हेल्प. नाउ इसमें देर इज अ प्रोविजन ऑफ शेल्टर होम्स. सो द शेल्टर होम्स विल बी प्रोवाइडेड टू द बेगर्स. जो बेगर्स होंगे सड़क पे ना रहें या खुले आसमान के नीचे न सोएं, उसके लिए उनको शेल्टर होम्स प्रोवाइड कराए जाएंगे. सो देर आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेल्टर होम्स इन द कंट्री. ठीक है, वहां पे उनको बेगर्स को भेजा जाएगा. एंड वेयर देर इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ द शेल्टर होम, द न्यू शेल्टर होम विल ऑल्सो बी क्रिएटेड. ओके, नए शेल्टर होम्स भी बनाए जाएंगे और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेल्टर होम्स हैं उसमें सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी टू द बेगर्स. सारी मतलब जो भी बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए जरूरत होती है वो सारी दी जाएंगी. सारी फैसिलिटीज का मतलब ये नहीं है कि उनको गाड़ी और एसी भी दे देंगे, ऐसा नहीं है. ऑफकोर्स एक बेसिक लाइफ जीने के लिए जो भी चीजें जरूरी होती है उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट सपोर्ट देगी. मूविंग अहेड टू द थिंग्स टू रिमेंबर. नाउ दीज आर द ओनली 3-4 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द ड्यूरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, दैट इज अप टू द फाइनेंशियल ईयर 2026. फाइनेंशियल ईयर 2026 तक ये स्कीम चलेगी. इसमें जो टोटल फंड रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी है, 182 करोड़ फॉर द कंप्लीट 5 इयर्स. ओके, पूरे 5 सालों के लिए कितना है, 182 करोड़. 182 करोड़ एंड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर द फंड रिक्वायरमेंट 2021-22 में जो फंड रिक्वायरमेंट है वो कितना होगा, 50 करोड़. ठीक है, 50 करोड़ कवरेज. इट इज एस्टिमेटेड दैट अप्रोक्सीमेटली 60,000 पुअरेस्ट पीपल विल गेट बेनिफिट थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम. एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 10 सिटीज ऑफ इंडिया. ठीक है, 10 सिटीज में ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च हुआ है. एंड दीज आर दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना एंड अहमदाबाद. ओके, सो ये जो है बेसिकली 10 सिटीज में एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है. राइट, नाउ ये पूरे 5 साल का जो फंड रिक्वायरमेंट है वो है. सो यू कैन सी इन दिस फाइनेंशियल ईयर फंड रिक्वायरमेंट इज 50 करोड़. अगले साल फिर बाकी सारे सालों में कितना है, 33 और ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 182. सो आई होप गाइस द स्कीम इज क्लियर. बस इतना ही पढ़ना है, इसमें इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज इससे ज्यादा गवर्नमेंट ने भी बताया ही नहीं है. ठीक है, तो जितना बताया है उतना आपने पढ़ लिया. ठीक है, एंड 100% इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा. तो एक नंबर आपका तो आज आ गया इस 5 मिनट में. सो वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द मार्जिनलाइज पीपल फॉर देयर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज. एंड दिस सपोर्ट इज फॉर एग्जाम्पल रिहेबिलिटेशन, द मेडिकल सपोर्ट, द एजुकेशन, द इकोनॉमिक लिंकेजेस, द स्किल डेवलपमेंट एंड अदर टाइप्स ऑफ सपोर्ट विच आर नेसेसरी फॉर द फॉर अ बेसिक लाइफ. ओके, एंड दिस इज अ सब स्कीम अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. इट इज बींग इम्प्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. लॉन्च ईयर इसी साल 2021 में. एंड द इम्प्लीमेंटेशन विल बी प्रोवाइडेड, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाई वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट और द यूटी गवर्नमेंट एज वेल. शेल्टर होम का प्रोविजन है, एग्जिस्टिंग शेल्टर होम्स में बेगर्स को भेजा जाएगा. एंड देर एंड इफ देर इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ शेल्टर होम्स देन द न्यू शेल्टर होम्स विल ऑल्सो बी क्रिएटेड. एंड ड्यूरेशन इसका 2025-26 तक है. टोटल फंड रिक्वायरमेंट 182 करोड़. अप्रोक्सीमेटली 60,000 पीपल विल गेट बेनिफिट. एंड इट हैज बीन लॉन्च एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 10 सिटीज. एंड ये फंड रिक्वायरमेंट है अगले 5 सालों की. सो आई होप गाइस द स्कीम इज क्लियर. Now let's talk about the questions that can be asked. What is the total fund requirement for scheme SMILE? Alright, very easy question, 182 crore. और इसमें से बहुत आसान क्वेश्चन ही आएगा क्योंकि स्कीम में है ही कुछ नहीं ज्यादा समझने के लिए, थोड़ा बहुत चीजें हैं उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is incorrect with respect to the scheme SMILE? Okay, it is being implemented by Ministry of Social Justice and Empowerment. Yes, this is absolutely correct. The scheme was launched in 2021. Yes, correct. The scheme has been launched in 10 cities in pilot mode. This is also correct. The fund requirement for financial year 21-22 is rupees 33 crore. No, it is not 33 crores. It is rupees 50 crores. For the rest financial year, it is 33 crore. But for this financial year, it is rupees 50 crores. All right. So this statement, guys, is incorrect. And approximate 60,000 poorest people will get benefit. So all the statements are correct except statement number D. So D will be the correct answer. All right. And guys, that's it for the session. And generally, एक doubt कई बार मेरे सामने आता है students का कि इतनी सारी चीजें कैसे याद रखें और हम एक बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं, दो बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं. तो एक strategy जो मैं follow करता था while reading, while studying, तो वही strategy मैं आपको बताता हूँ. Hopefully आपको वो benefit करेगा. तो let us say कि आप spotlight पढ़ रहे हो या PIB 247 की PDF पढ़ रहे हो. स्पॉटलाइट का एग्जांपल ले लेते हैं. स्पॉटलाइट मान लो 100 पेजेस की है, ठीक है, और एक दिन में एटलीस्ट आप 10 पेजेस तो पढ़ ही सकते हो यार.
10 पेज तो पढ़ोगे ना एक दिन में। अगर 10 पेज मान लो आज आपने 10 पेज पढ़े, और स्पॉटलाइट एक महीने की होती है, तो अगर एक महीने भी पूरा दे दोगे स्पॉटलाइट को, एक स्पॉटलाइट को, तो आराम से हो जाएगा। तो लेट अस से कि यू हैव स्टडीड 10 पेजेस टुडे, आज 10 पेजेस पढ़ लिए। अब जब कल जाओगे 10 पेज पढ़ने के लिए ना, तो ऐसा मत करना कि इन 10 पेजेस से शुरू करो, पहले इन 10 पेजेस को एक बार देख लो, ठीक है? पहले इन 10 पेजेस को देख लो। तो लेटेस्ट से अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मान लो कि पहले दिन 10 पेज को पढ़ने में आपको 1 घंटा लगा, ठीक है? दूसरे दिन जब जाओगे 10 पेज को पढ़ने में ऑफकोर्स 15 मिनट लगेंगे, तीसरे दिन जब जाओगे 5 मिनट लगेंगे, चौथे दिन जाओगे 4 मिनट लगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा 7-8 दिनों में, 10 दिनों में, कि ये जो 10 पेजेस होंगे ये आपको रट चुके होंगे और आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेंगे, ठीक है? इस तरीके से चीजों को पढ़ो। और दूसरा तरीका जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करा। कहीं पे भी मिनिस्ट्री आई तो ऑब्वियसली मुझे मिनिस्टर का नाम रिकॉल करना पड़ेगा उस टाइम। अगर मैंने एक बार मिनिस्टर का नाम पढ़ा है कहीं एक पीडीएफ से, तो ऑफकोर्स वो याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे कंफर्म, कोई नहीं रोक सकता इस बात को, भूल जाओगे पक्का। तो कनेक्ट करने की कोशिश करो। कहीं पे भी आपने उत्तर प्रदेश पढ़ा, उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी आपको पता है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैपिटल, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वो चीजें अपने दिमाग में रिकॉल कर लो एक बारी कि क्या क्या है। नहीं है अगर याद, तो उसी समय देख लो गूगल पे कि क्या क्या चीजें हैं। ऐसा करते रहोगे ना अपनी स्टडीज के टाइम, तो आपको चीजें जो है वो याद होती रहेंगी, भूलोगे नहीं कभी भी। अगर एक बार पढ़ के, अगर आपने जैसे आज 10 पेज पढ़े और उसको अगले एक हफ्ते बाद पढ़ोगे ना, तो दोबारा से 1 घंटा लगेगा पढ़ने में। तो प्लीज ऐसा मत करा करो, कंटिन्यूस रिवाइज करते रहा करो। देखो मैंने भी बहुत सारे पेपर दिए हैं, बहुत सारे पेपर निकाले भी हैं, तो मैं तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, कंटिन्यूस रिविजन। कोई गुरु मंत्र नहीं है, ट्रिक्स के पीछे मत भागा करो कि ये ट्रिक कर लें, वो ट्रिक कर लें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ट्रिक भी तो याद करनी पड़ेगी ना। तो 10 ट्रिक याद करने से अच्छा 20 कंटेंट याद कर लो, वो ज्यादा बेटर है, समझ। और ट्रिक मान लो भूल गए, ट्रिक के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है, अगर मान लो ट्रिक भूल गए एग्जाम में, तो मतलब ही नहीं है कि तुम उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं नई स्कीम्स के साथ। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।